कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने खबरें आपके काम की। पूरे राज्यों को समाहित किया गया है इसमें जो आपके काम की खबरें हैं। सीएम कमलनाथ अपने जन्मदिन पर करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत। महाराष्ट्र किसानों को 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय राहत की घोषणा की है राज्यपाल ने। राजस्थान में मिले हैं पोटास के भंडार। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं पर माता कौशल्या की जन्मतिथि बताने वाले को मिलेंगे 11,00,000 रुपये के पुरस्कार। अमेजन से खरीदे सर्दी के लिए रूम हीटर सस्ते दामों पर। चलिए देखते हैं आपके काम की सभी खबरें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। सरकार को 1 साल होने जा रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का 17 दिसंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी सरकार के साल भर पूरे होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन से 1 महीने तक प्रदेश भर में सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुँचाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें सभी जिलों में रोजाना मीडिया के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां को प्रस्तुत किया जाएगा। पीसीसी के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्र प्रभात शेखर ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का 18 नवंबर को जन्मदिन है। सीएम साहब, 18 नवंबर के जन्मदिन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई अभी से, और आगे इसी दिन से 1 महीने तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साल भर में किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। शेखर ने कहा कि इसके लिए सभी मंत्रियों, विधायकों, पीसीसी के पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के साल भर के फैसलों के बारे में जनता को बताने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव 24-28 जनवरी व 1 फरवरी को होंगे। प्रदेश की राजधानी रायपुर से खबर है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 3 चरणों में 24 जनवरी, 28 जनवरी और 1 फरवरी को मतदान होगा। सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो भी यह पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो वह इन तारीखों का ध्यान रखे। 7 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव में मतपत्र द्वारा मतपेटियों के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती मतदान खत्म होने के तत्काल बाद उसी दिन की जाएगी। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कुल 1,59,925 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीसी दलेई ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंचों व पंचों के आम चुनाव की कार्रवाई 31 दिसंबर से प्रारंभ होकर 5 फरवरी तक पूरी होगी। तो इस प्रकार से डेट है, आप ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अजीब स्पर्धा अर्थात अजीब प्रतियोगिता है। माता कौशल्या के जन्मदिन बताने वाले को 11,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश की राजधानी रायपुर से खबर है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बनाए जाने का विवाद सुलझने के बाद छत्तीसगढ़ में भी रामायणकालीन मुद्दा छाने लगा है। 2 दिन पहले 2 कांग्रेस विधायकों ने भगवान श्री राम की माता कौशल्या के मंदिर का नवनिर्माण कराने के लिए 2,40,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा। इसके अगले ही दिन कांग्रेस सरकार की मंशा पर छत्तीसगढ़ में श्री राम वनवास पदार्पण वाले मार्ग पर राम वनगमन परिपथ बनाए जाने की घोषणा भी की गई। अब शनिवार को ऐतिहासिक दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास ने माँ कौशल्या की जन्मतिथि पर प्रतिस्पर्धा आयोजित करने की घोषणा कर दी। अच्छी बात है, जन्मतिथि का सही आकलन करके सिद्ध करने वाले को 11,00,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। महंत राम सुंदर दास ने यह ऐलान किया है, और उन्होंने जो भी भक्त माँ कौशल्या की जन्मतिथि बताएगा और उसको सिद्ध करेगा तो उसको 11,00,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 15 दिसंबर तक कर सकते हैं पत्राचार। माता कौशल्या की जन्मतिथि के लिए इच्छुक ज्योतिषाचार्य एवं विद्वान 15 दिसंबर 2019 तक राजे श्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास महाराज दूधाधारी मठ पुरानी बस्ती रायपुर यह पता है, इस पते पर आप पत्राचार कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए नंबर दिया गया है 7974921927 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
इस प्रकार से अच्छी बात है। फिर अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में राज्यपाल ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत देने की घोषणा की है। अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू है क्योंकि अभी सरकार नहीं बन पाई है। कृषि खरीफ फसलों के लिए 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राहत मिलेगी। वहीं पर बागवानी और बारहमासी फसलों के लिए 2 हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपये राहत की घोषणा की गई है। प्रदेश की राजधानी मुंबई से खबर है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को अक्टूबर नवंबर 2019 के दौरान बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत देने की घोषणा की। राज्यपाल की घोषणा के मुताबिक कृषि खरीफ फसलों के लिए 2 हेक्टेयर तक 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राहत राशि और बागवानी बारहमासी फसलों के लिए 2 हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपये की राहत राशि की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को बहुत हद तक राहत मिलेगी। उपर्युक्त राहत पैकेज के अलावा राज्यपाल ने प्रभावित क्षेत्र के लिए भू राजस्व की छूट और किसानों के आश्रितों के लिए स्कूल और कॉलेजों के परीक्षा शुल्क में छूट की घोषणा की है। अपने आदेश में राज्यपाल ने राज्य शासन को तुरंत राहत देने का निर्देश दिया। राज्य शासन अर्थात जिला प्रशासन, क्योंकि वहाँ पे अभी राज्य शासन है ही नहीं है, इसलिए प्रशासन यह सब काम संभालेगा। जिलों के कलेक्टर यह काम संभालेंगे। राहत राशि राज्यपाल के थ्रू जिला कलेक्टर तक पहुंच जाएगी, तो अच्छी बात है, किसानों को राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, अमेजन से आप खरीद सकते हैं रूम हीटर, क्योंकि इस बार ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है। आप गूगल पे जाएं और amazon.in लिख करके अमेजन में चले जाएं और वहां से खरीद सकते हैं। यदि नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजन का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा करके खरीद सकते हैं। सर्दी ने दस्तक दे दी है, ऐसे में आपके लिए बेहतर है कि अभी से सर्दी से बचने की तैयारी कर लें। सर्दी में गर्म कपड़ों से कहाँ सर्दी रुकती है, घर में रहेंगे तो ज़्यादा सर्दी लगती है। ऐसे में घर को गर्म रखने का एकमात्र तरीका है रूम हीटर। अमेजान पर आपके लिए एक से बढ़कर एक रूम हीटर सस्ती कीमत पे उपलब्ध हैं। अगर आप ब्रांड कॉन्शंस हैं तो आपके लिए उषा का रूम हीटर मुफीद है, मतलब अच्छा है। अमेजान पर ब्रांडेड और डिजाइनर रूम हीटर की बेहद वैरायटी मौजूद है, आप भी अपनी पसंद का रूम हीटर खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी है, राजस्थान में पोटाश के अकूत भंडार मिले हैं। देश में पहली बार यहां होगा खनन। अभी तक हम पोटाश बाहर से मंगाते थे, हमारे देश में कहीं पर भी पोटाश नहीं निकलती, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां से पोटाश अब हमको मिलेगा, जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। अब तक भारत पोटाश का 100% आयात करता रहा है, लेकिन अब देश में पहली बार इसके अकूत भंडार राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों में मिले हैं। राजस्थान सरकार और निजी कंपनी के बीच पोटाश खनन को लेकर इसी महीने एक MOU होने जा रहा है, अर्थात साइन होने जा रहा है, ताकि खनन हो सके। प्रदेश की राजधानी जयपुर से खबर है, राजस्थान क्रूड ऑयल के बाद पोटाश के अकूत भंडार मिले हैं राजस्थान में। अब तक भारत पोटाश का 100% आयात करता है और देश में पहली बार इसके भंडार राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों में मिले हैं। अब तक करीब 2500 मिलियन टन पोटाश भंडार की खोज की जा चुकी है और जल्द ही इसका खनन शुरू होने जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्य सचिव DB गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली के बीकानेर हाउस में केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय GSI और निजी कंपनी के साथ बैठक की। राजस्थान सरकार और निजी कंपनी के बीच पोटाश खनन को लेकर इसी महीने एक MOU साइन होने जा रहा है और अगले 6 महीने में ऑक्शन होने की उम्मीद भी कही जा रही है। बता दें कि क्रूड ऑयल के बाद पोटाश की राजस्थान में खोज से भी प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। 100% विदेश से आता था पोटाश, अभी तक राजस्थान में पोटाश खनन के बाद देश को विदेश से आयात कम करना पड़ेगा। फिलहाल देश में पोटाश का 7% विदेश से आयात होता है। MOU साइन होने के बाद जल्द ही राजस्थान देश का एकमात्र पोटाश उत्पादक राज्य बनने वाला है, बहुत अच्छी बात है राजस्थान की धरती को। तो इस प्रकार से 6 बड़ी खबरें थी आपके काम की, आपसे जुड़ी हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो या खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक।